आज क्या खाएगा? कुछ पीछे बनाना। पिज्जा खाएगा? नहीं, बोर हो गया। पालक, नहीं, मूड नहीं है। पनीर, चलेगा उसमें? क्या पनीर भुर्जी, चलेगा? डन ढाबा स्टाइल। डन। हाँ चलो बनाते हैं। मैं ना कुछ दिन पहले एक ढाबा में गई थी और वहां मैंने पनीर भुर्जी ऑर्डर करी। ये पनीर भुर्जी ना बहुत डिफरेंट थी जो हमारे घर पे बनती है। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे बताओ आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत चीजें बताई। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि इसको और कैसे कर सकते हैं, और उसके हिसाब से मैं आज एक डिश बना रही हूँ। तो ये ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी हम बना रहे हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करने वाले हैं रोस्टेड बेसन। ये मैंने कुछ 1½ टेबल स्पून लिया है, रोस्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून इसको। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी। देन हम ऐड करेंगे थोड़ा गरम मसाला, दिस इज ऑल्सो 1/2 टीस्पून। अब मैं ऐड करूंगी इसमें ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून। नाउ सम दही एंड मिल्क। इसमें दही और मिल्क भी ऐड करना है हम लोग को, तो मैं यहाँ पे कुछ 100 ml ले रही हूँ मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून, टेबल स्पून सॉरी। मिक्स इट ऑल टुगेदर। ये ऑयल, इसमें थोड़ा बटर भी जाएगा बट ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। बटर, ऐड करेंगे हम थोड़ा अनियन। पनीर भुर्जी में बटर ज्यादा चाहिए यार मुझे तो। मैं पर्सनली बहुत बटर प्रेफर करती हूँ पनीर भुर्जी, और ढाबा स्टाइल में तो इट्स मैंडेटरी टू पुट बटर। थोड़ी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, मैंने 3 ग्रीन चिलीज ऐड करी है। अब आपके सॉल्ट, सॉरी, अब आपके चिली प्रेफरेंस से, तीखा प्रेफरेंस है, यू कैन ऐड इट। मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया, तो इसमें वैसे ही बहुत ज्यादा ऐड मत कर देना, लाइक अकॉर्डिंग टू योर सॉल्ट प्रेफरेंस। नाउ विल गिव इट अ नाइस मिक्स, और इसे अच्छे से पकने देना। और ना मैं यहाँ एकदम फाइनली चॉप्ड टमेटोज लिए हैं ताकि वो जल्दी पक जाए और अच्छा रहे। तो भी हमारे टमाटर पक गए हैं, एंड जो ये हमने बनाया था मिक्सचर, ये धीरे धीरे हम इस पर पोर कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे पनीर। देयर इट गोज। ये ना मैंने रफली ऐसे ही बस तोड़ कर रखा था, बिकॉज वो ढाबे पे ऐसे ही बनाते हैं। थोड़े स्मूथ टेक्सचर के लिए ना आई प्रिफर वाटर ऑल्सो, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी यहाँ पे। सो पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट बन गई है, ऑलमोस्ट क्या, पूरी बन गई है। अभी बस इसे गार्निश करना बचा है। तो मैं गार्निश करूंगी इसे एकदम फ्रेशली चॉप कोरिएंडर से, एंड देन यू कैन हैव दिस विथ ब्रेड, नान, रोटी, जिसके साथ भी आपको खाना है। लास्ट बार एक बार मिक्स करेंगे एंड इट्स डन। मेरे लिए रुक जा, मुझे टेस्ट करने दे, रुक पेपर में कुछ चाहिए? तो टेस्ट तो करने दे कैसा बना देखे तो। मैं तो ब्रेड स्लाइस के साथ पसंद है मुझे भुर्जी। बहुत सही है,
जा, तू पैन पैन रखा है वहां पे, वहां से ले ले।